दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऐप टू यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ इस घंटी को भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। हेलो दोस्तों, ऐप टू यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको Xiaomi Redmi 5A को ना खरीदने के 5 रीज़न बताऊंगा। दोस्तों, Xiaomi ने Redmi 4A का सक्सेसर 5A को लॉन्च कर दिया है इंडिया में, वो भी सेम फीचर के साथ। इस फ़ोन का बेस मॉडल 2 GB रैम प्लस 16 GB स्टोरेज 4,999 रुपये में मिलेगा आप लोगों को, जो पहले 5 मिलियन कस्टमर के लिए अवेलेबल है। उसके बाद इसका प्राइस हो जाएगा 5,999 रुपये। और एक मॉडल है जो 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज के साथ आता है, उसका प्राइस है 6,999 रुपये। अब बात करते हैं इस फ़ोन को ना लेने की 5 रीज़न के बारे में। तो पहला रीज़न है, इस फ़ोन में आपको कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, जबकि इस रेंज में बाकी सभी कंपनी आजकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रही है। दूसरा रीज़न है बैटरी। इस फ़ोन में आपको 3000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो ठीक ठाक सा बैटरी बैकअप आपको दे देगा। तीसरा रीज़न है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी। इस फ़ोन में प्लास्टिक यूज़ किया गया है। इस फ़ोन में अगर मेटल बॉडी का यूज़ होता तो और भी बेहतर होता। चौथा रीज़न है लो इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन का बेस मॉडल लेना चाहते हैं तो आप बेस मॉडल ना लें, क्योंकि MIUI 9 की वजह से इस फ़ोन में 16 GB स्टोरेज में से लगभग 8 GB स्टोरेज आपको फ्री मिलेगा। और अगर आप कुछ गेम्स एंड ऐप्स इंस्टॉल करेंगे तो इस फ़ोन का फ़ोन मेमोरी ही यूज़ होगा। उसके बाद आता है पाँचवीं रीज़न। तो पाँचवीं रीज़न है प्राइस। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस फ़ोन में आपको बहुत ही अच्छा प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर और अच्छा स्पेसिफिकेशन मिलता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो फिर ये फ़ोन आपके लिए ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ और कुछ पैसे दे के रेडमी का दूसरा फ़ोन ले लें, जैसे कि Redmi Y1, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा कैमरा और अच्छा प्रोसेसर मिलेगा Snapdragon 435 का। या फिर आप Redmi Note 4 ले लीजिए, जिसमें आपको अच्छा प्रोसेसर Snapdragon 625 के साथ अच्छा बैटरी 4100 mAh का मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो ये फ़ोन आपके लिए ठीक है, क्योंकि ये फ़ोन आपको डे टू डे यूजर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और अगर आप पावर यूज़र हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बना नहीं है। तो दोस्तों, आप इस फ़ोन को बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।